कोरोना काल में पूरे विश्व में कुछ ना कुछ अजीब हुआ है, फिर चाहे वो अच्छी साबित हुई है या कुछ बेहद बुरी, लेकिन हुआ जरूर है। उनमें से कुछ चीजें बड़ी विचित्र भी हुई हैं। ऐसे ही कुछ विचित्र घटना ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में देखने को मिली है। दरअसल कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा फंगस पैदा हुआ है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसे देखने से लगता है कि यह किसी जोम्बी की उंगलियां हैं या फिर किसी मृत व्यक्ति की सड़ी हुई उंगलियां जो कि जमीन के अंदर से बाहर आ रही हैं। आपको बता दें कि यह फंगस ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट के पास एक द्वीप पर टूटे और गिरे हुए पेड़ों पर पैदा हुए हैं, जिन्हें अब जोम्बी फिंगर्स के नाम से जाना जा रहा है। जोम्बी फिंगर्स को वैज्ञानिक भाषा में हाइपोक्रोपोसिस एम्प्लांटिस कहते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में इस फंगस को आम भाषा में ट्री फिंगर्स भी कहते हैं। ये फंगस ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में कुछ गिने चुने स्थानों पर है। ये बेहद दुर्लभ फंगस है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में काफी कम जगहों में देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलियन रॉयल बोटानिक गार्डन्स विक्टोरिया ने इस बात की जांच की और पुख्ता किया कि ऑस्ट्रेलिया में दो अन्य स्थानों पर भी जोम्बी फिंगर्स गिरे हुए पेड़ों के तनों के पास देखने को मिले हैं। ये जोम्बी फिंगर्स एक पैरासाइट है जो कि मरे हुए पेड़ों की छालों और अन्य फंगस को अपना शिकार बनाते हैं। इसे लार्वा और अन्य कीड़े खाना पसंद करते हैं।